गरीब की दिवाली के दीप। बनवारी मुंह लटकाकर जैसे ही घर पहुंचा, उसका बेटा डब्बू उसके पास आ गया और थैले के अंदर झांकने लगा। बेटा, थैले के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं 2 दिन के बाद तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा, अभी चुप रहो। बाबूजी, राम सुमेर चाचा तो बच्चों के लिए अक्सर मिठाई लेकर आते हैं, फल भी लाते हैं। कुछ दिनों से आप कुछ भी नहीं ला रहे। मैं मामा के घर जाऊंगा तो खूब मिठाई खाऊंगा। चुप रह, बड़े मामा वाला आया। जब से आया हूँ मिठाई की रट लगाया हुआ है। चल जा, भाग यहाँ से। नन्हा डब्बू रुआसा होकर माँ के पास पहुँच गया। माँ देखो, बाबूजी खाली हाथ आ गए और मामा का नाम लिया तो मुझे ही डांटने लगे। मामा मुझे कभी नहीं डांटते, चॉकलेट और मिठाई भी खिलाते हैं। माँ चलो ना मामा के घर चलते हैं। बेटा, जो प्यार करते हैं वही डांटते भी हैं। तुम्हारे बाबूजी थके हारे आए हैं इसलिए गुस्सा आ गया होगा। 2 महीने बाद जब तुम्हारे मामा बुलाने आएंगे तब हम लोग वहां जाएंगे। अभी जाओ बेटा खेलो। शांति गिलास में पानी लेकर बनवारी के पास पहुंच गई। डब्बू अभी छोटा है, हमारी मजबूरी को समझ नहीं पाता है। शांति, तुम तो जानती हो फैक्ट्री को बंद हुए 2 महीने बीत गए हैं। रोज अलग अलग जगहों पर काम की तलाश में जाता हूँ और खाली हाथ लौट आता हूँ। तुम्हारे सारे गहने गिरवी रखकर घर का खर्चा चलाया है। दिवाली करीब आ गई है लेकिन हाथ तंग है, आगे ना जाने क्या होगा। आप अपना कर्म कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। अरे हाँ, मैं आपको यही बताने जा रही थी। हाँ लीजिए, नरेश भैया ने ये चिट्ठी दी है, इसमें एक सेठ गोपाल अग्रवाल का पता लिखा हुआ है। कल वहाँ चले जाइए, 11 बजे पहुँचना है। सेठ को एक ड्राइवर की जरूरत है। आपके पास लाइसेंस है, किस्मत आजमा लीजिए। मैंने बहुत दिनों से गाड़ी तो नहीं चलाई है लेकिन चला लूंगा। अरे हाँ, डब्बू को संभाल लेना, मैंने उसे डांट दिया था। क्या करूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं डब्बू को संभाल लूंगी, आप आराम कीजिए। दूसरे दिन बनवारी सवेरे घर से जल्दी निकल गया। उसके पास अधिक पैसे नहीं थे इसलिए वो पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में एक बुजुर्ग दिवाली के दिए बेच रहे थे। बनवारी रुक गया। काका, दियो की कीमत क्या है? 2 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहा हूँ, आप 10 पैसे कम दे देना। काका, मुझे सिर्फ 2 दिए चाहिए, कितने पैसे दे दूँ? 40 पैसे दे दो बेटा। बनवारी ने 40 पैसे देकर 2 दिए ले लिए और आगे चल पड़ा। उसने अपने पीछे किसी गाड़ी की ब्रेक की जोर की आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़का कार के सामने गिरा पड़ा था। बनवारी ने दौड़कर उसे उठाया, वह घायल था और बेहोश भी हो गया था। बनवारी ने सोचा कि उस लड़के को उसी कार में डालकर अस्पताल ले जाया जाए। इतने में एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर कार चलाकर भाग निकला। बनवारी ने उसका चेहरा पहचान लिया था लेकिन कार का नंबर नहीं लिख पाया। बनवारी के हाथ जोड़ने पर एक दूसरे कार मालिक ने गाड़ी रोकी और उसने बनवारी को इशारे से बुलाया। अरे उस लड़के को अंदर कार में ले आओ। ठीक है। बनवारी ने लड़के को कार में लिटा दिया, खुद बैठ गया और कार चल पड़ी। उसकी सूझबूझ से सही समय पर उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। देखिए, आप बहुत सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल ले आए, वरना खून ज्यादा निकल जाने पर जान का खतरा रहता है। मेरी बात सुनिए, इस बच्चे का अभी तुरंत ऑपरेशन करना होगा, खून की जरूरत पड़ेगी। क्या आप अपना खून दे सकते हैं? हाँ हाँ डॉक्टर, बिल्कुल, मेरा खून ले लीजिए, इस बच्चे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने बनवारी का खून ले लिया और लड़के का समय के अंदर सफल ऑपरेशन भी हो गया। आप इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरे इनके बीच इंसानियत का रिश्ता है। ये आदमी नहीं फरिश्ता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कोई सामने नहीं आया लेकिन लड़के को उठाने के लिए यही इंसान आगे आया। भाई साहब, आप भगवान की तरह आ गए और इस लड़के का सही समय पर इलाज हो पाया। डॉक्टर, बच्चे की हालत कैसी है? देखिए, अब कोई खतरा नहीं है। इनसे पूछकर इनके पेरेंट्स को बुलवा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हाँ हाँ, आप जाइए, हम लोग इस लड़के के पेरेंट्स को जानते हैं, उन्हें बुलवा लेंगे। बनवारी सेठ गोपाल अग्रवाल के ऑफिस पर पहुंचा। बनवारी पूरे 4 घंटे लेट हो गया था। वो सेठ के मैनेजर से मिला। साहब, मैं यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए आया हूँ, क्या सेठ जी से मिल सकता हूँ? अब आए हो, सेठ जी चले गए। मैं समय पर पहुँचने ही वाला था लेकिन एक लड़के के एक्सीडेंट होने के कारण मुझे उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहीं देर हो गई। देर हो गई और तुम्हारे हाथ से नौकरी गई। सेठ जी ने समय पर आने वाला दूसरा ड्राइवर रख लिया है, अब जहाँ भी जाना समय पर जाना, अब जा सकते हो। बनवारी की किस्मत यहाँ भी धोखा दी गई।
वो बहुत मायूस होकर बोझिल कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर जब दोनों दिए निकाले तो दोनों टूटे हुए मिले। तो दिया लिया वो भी टूट गया। मेरी तकदीर कितनी इम्तिहान लेगी, ऐसा लगता है एक दिन मेरी जान ही लेगी। सुनिए जी, उस नौकरी का क्या हुआ, सेठ ने क्या कहा? क्या बताऊं शांति, रास्ते में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वो तो बच गया लेकिन मैं सेठ के यहाँ जाने में लेट हो गया। आप शांत होकर बैठ जाइए, चाय नाश्ता कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शांति ने बनवारी को चाय नाश्ता कराया और डब्बू आकर अपने बाबूजी की गोदी में बैठ गया। बनवारी का मन कुछ हल्का हुआ लेकिन आगे की चिंता उसे अंदर ही अंदर झकझोर रही थी। उसे अपनी दुनिया अंधेरी दिख रही थी। अचानक उसे एक्सीडेंट वाले लड़के की याद आ गई। शांति, मुझे उस लड़की की चिंता हो रही है, मेरा दिल कह रहा है उसे जाकर हॉस्पिटल में एक बार फिर से देख लूं। भगवान करे पूरी तरह ठीक हो जाए। मैं नौकरी के चक्कर में जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था। आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? जाइए। ठीक है, मैं जाकर जल्दी चलाऊंगा। बनवारी चलकर हॉस्पिटल पहुंच गया और हॉस्पिटल के बाहर वही ड्राइवर कार के पास खड़ा था जिसने उस लड़के का एक्सीडेंट किया था। वो बनवारी को देखकर मुंह छिपाने लगा और बनवारी हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबूजी, यही वो देवता स्वरूप इंसान है जो मुझे लेकर समय पर यहाँ आए और मेरे ऑपरेशन के लिए अपना खून भी दिया। लड़के के माता पिता ने बनवारी के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। आपने सचमुच भगवान की तरह मेरे बेटे को बचा लिया, वरना आज की दुनिया में लोग देखकर भी मुंह फेर लेते हैं। मेरा नाम गोपाल अग्रवाल है, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। आप हुक्म दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सेठ जी, मैंने तो इंसानियत का फर्ज निभाया है, अलबत्ता जिंदगी ने मुझे रुलाया है, लेकिन मैंने हमेशा दूसरों का भला करने का ही इरादा बनाया है। मैं भी ये क्या लेकर बैठ गया। इतने में सेठ के मैनेजर ही वहाँ आ गए। अरे तुम तो आज ऑफिस में ड्राइवर की नौकरी के लिए आए थे ना, सेठ जी से मिलने के लिए यहाँ भी आ पहुँचे। एक मिनट, इन्हें कुछ मत कहो, ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई है, हम सारी जिंदगी इनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। मैनेजर के दिमाग में सारी बात आ गई और उसने बनवारी के सामने हाथ जोड़ लिया। बनवारी जब जाने के लिए तैयार होने लगा तो सेठ ने हाथ पकड़कर रोक लिया। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा और अब आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ गए हैं, चलिए मेरे साथ। सेठ गोपाल अपनी धर्मपत्नी और बनवारी के साथ जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आए तो उनकी कार का ड्राइवर बनवारी को देखते ही शर्म से पानी पानी हो गया। तुमसे एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा कर्तव्य था कि सेठ जी के बेटे को लेकर हॉस्पिटल आते, लेकिन तुम वहां से भाग गए। ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह था, आज तुम पकड़े गए, इसका फैसला अदालत में होगा। सेठ गोपाल जी ने उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। वो बनवारी को लेकर अपनी नई फैक्ट्री के ऑफिस में पहुंच गए। बनवारी जी, आप जैसे फरिश्ते का मेरे जीवन में आना मेरा सौभाग्य है। आप ये मैनेजर की कुर्सी संभालिए, मैं भी आपका साथ दूंगा, आपसे योग्य दूसरा कोई मुझे नहीं मिलने वाला। ये लीजिए, पेशगी के तौर पर छोटी सी भेंट दे रहा हूँ। सेठ गोपाल ने एक बड़ी रकम लिफाफे में भरकर बनवारी को दे दी। जब बनवारी घर पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे उपहार और मिठाई और सूखे मेवे के डिब्बे रखे हुए थे। मैनेजर साहब, आपकी नई नौकरी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ। धन्यवाद देवी जी। अरे डब्बू कहाँ पर है? वो देखो, लड्डू पर लड्डू खाए जा रहा है। बनवारी और शांति इसी बात पर हंसने लगे। घर के अंदर बाहर चारों तरफ खुशियों के दीप जलने लगे।